महाराष्ट्रमां शिवसेनाना धारासभ्योनी अयोग्यताना मुद्दे हवे सुप्रीम कोर्टनी पण टिप्पणी आवी छे। सुप्रीम कोर्टे कह्युं छे के जो स्पीकर निष्फळ रहेशे तो पछी धारासभ्योनी अयोग्यताना केसनो निर्णय अमे करीशुं। महाराष्ट्रना सौथी मोटा उलटफेर पर सुप्रीम कोर्टनी आकरी टिप्पणी आवी छे। कोर्टे स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सिंधे जूथनी शिवसेनाना धारासभ्योनी अयोग्य अंगे आगामी विधानसभा चूंटणी पहेला निर्णय करवा जणाव्युं छे। आ साथे ज देशनी सौथी मोटी कोर्टे एम पण कह्युं छे के जो स्पीकर आ मामले निर्णय लेवामां निष्फळ रहेशे तो कोर्ट पोते आदेश संभळावशे। हवे आ मामले सोमवारे सुनावणी हाथ धरवामां आवशे। सुप्रीम कोर्टे सुनावणी दरमियान कह्युं के जो स्पीकर प्रक्रियामां गति लावा माटे संशोधित कार्यक्रम रजू करवामां निष्फळ रहेशे तो कोर्ट एक समय मर्यादामां नक्की करशे। अमे आ कोर्टनी गरिमा जाळवी राखवा अंगे चिंतित छीए। अमारा आदेशनुं पालन करवामां आवे। सीजेआई का अपना ऑब्जर्वेशन है और जो उन्होंने आदेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं। शिवसेना के लिए जो उन्होंने कहा है, उन्होंने स्पीकर को आदेश दिया है कि या तो आप इसके ऊपर कोई फैसला लीजिए और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में अपना आदेश जारी करेगा। तो और मैं मान के चलता हूँ कि जो स्पीकर महाराष्ट्र हैं नार्वेकर जी, वो खुद एडवोकेट हैं और वो जानते हैं कि कानून की सीमाएं क्या होती है और कानून के अंतर्गत उनको किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी और इसपे जो आदरणीय जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन निश्चित रूप से होगा। इस पर कोई कोताही करने का ना कोई सोच सकता है ना ही कोई कोताही करना चाहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर गुरुवारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अने उद्धव ठाकरे ना नेतृत्व वाली शिवसेना जूथ द्वारा दाखल करेली अरजीओ पर सुनावणी करी। जो कि शिंदे जूथे अलग थी सुनावणी नी मांगणी करी छे। उद्धव जूथे भारपूर्वक कह्युं छे કે અરજીઓ પર અલગથી સુનાવણી કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી કારણ કે તમામ અરજીઓ પાછળ એક જ કારણ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટી।